वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नर्सिंग वालों के लिए डबल खुशखबरी हैप्पी न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। डबल जी हाँ, बिल्कुल दोगुनी। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, आपके लिए वैकेंसी रिलीज हो चुकी है स्टाफ नर्स की, और यहाँ पर 31,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर नए कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो JNM के स्टूडेंट हो, NM के स्टूडेंट हो, या फिर BS नर्सिंग के स्टूडेंट हो, सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है 15 अगस्त के अवसर पर। सो हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, घर बैठे आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, सारा क्राइटेरिया हम आपको बताएंगे। तो गाइज, नर्सिंग वालों के लिए एक लाइक बनता है, जितना हो सके नर्सिंग फील्ड को सपोर्ट कीजिए, हमारा मकसद है नर्सिंग फील्ड को बहुत आगे ले जाना। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी और भी पोस्ट यहाँ पर है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की भी है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है 23 अगस्त। 23 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और अप्लाई कैसे करना है वो अभी हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है, वो आपको तैयार कर लेना है, आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, और अपने सिग्नेचर आपको स्कैन करने होंगे, तो वो आपको कागज़ में थोड़ा सा सिग्नेचर करके आप थोड़ा सा रखिए अपने पास। और यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है गाइस, ठीक है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको ले चलते हैं, और वहाँ से अप्लाई करके हम आपको दिखा देते हैं। और इसकी फीस वगैरह देख लो पहले आप, इसकी जो फीस है ना गाइस, ये देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व वालों की, OBC वालों की और EWS वालों की फीस 236 रुपये लगने वाले हैं, जबकि SC ST वालों के मात्र 118 रुपीस आपके लगने वाले हैं। इतने कम फॉर्म फीस में आप 30-35 हज़ार की जॉब लग जाओगे, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो BS नर्सिंग, JNM और NM के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिक्वायरमेंट रिलीज हो चुकी है। ओके गाइस, तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको ले चलते हैं। ओके गाइस, आ जाना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या टाइप करना है ये देख लो, THSTI.REC.IN, ये आपको टाइप कर लेना है अपने ब्राउजर में, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपके भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग का ऑप्शन यानी कि वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के, मध्य प्रदेश, UP के, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से अप्लाई करना होगा हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है ना, कैरियर, क्योंकि आपका कैरियर बनाना है तो यहाँ पर कैरियर पे जाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है, कैरियर के ऑप्शन पे। तो थोड़ा सा इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन क्लिक हो जाते हैं, जैसे कि जॉब को लेकर हो जाते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, तो जॉब पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप जॉब पे क्लिक करते हो, क्योंकि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत अच्छी बात होती है, नसीब की बात होती है, और नर्सिंग वाले तो गवर्नमेंट जॉब लग कर ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए वैकेंसियाँ इतनी निकालती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, और यहाँ पर अनाउंसमेंट में देखना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा अप्लाई, बहुत सिंपल है। अनाउंसमेंट में ये रहा आपका अनाउंसमेंट, ये क्या है अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर फोकस कीजिए गाइस, नर्सिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखेगी आपको, फोकस कीजिए, यहाँ पे कीजिए फोकस, ये रहा, ये देखिए, ठीक है, ये वाला मिल गया ना, रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ नर्स। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना होगा, और यहीं से आपको फॉर्म भरना होगा गाइस। YouTube पे कोई नहीं बताएगा, और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, जितना हो सके लाइक कीजिए। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो हमने क्लिक कर दिया, आप भी इस प्रकार कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई के लिंक एक्टिव हो चुके हैं सभी को लेकर। अब आपको क्या बनना है, टेक्नीशियन ऑफिसर बनना है तो ये फॉर्म बनना होगा, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो ये फॉर्म, अगर आपको एंट्री डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो ये, अगर आपको स्टाफ नर्स बनना है तो ये फॉर्म आपको भरना होगा, ये वाला, ये लीजिए, ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा। लास्ट डेट यहाँ पर दिखा रखी है 23 अगस्त 2021, तो 23 अगस्त से पहले पहले भर दीजिए। हमने आपसे बोल रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, ताकि हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो पहले आपको लॉगिन करना होगा, और यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप तैयार रखिए, और अपने जो सिग्नेचर है वो करके तैयार रखिए।
तो लॉगिन पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन पे जाते ही ये ओपन हो जाएगा, ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विभाग प्रौद्योगिकी संस्था, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर आपको करने होंगे, ठीक है। अगर आप एडमिट कार्ड यहाँ पर जब हो आएंगे ना तब, बट उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका पहले नहीं हो रहा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे हम क्लिक करते हैं। ओके गाइज, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको पहले तो आपकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पर आपके पोस्ट का नाम ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और आपके पर्सनल मोबाइल नंबर आपको इंटर करने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बाकी के जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपको मोबाइल नंबर पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और फुल नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देना है, आपकी जो एज है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जेंडर आप मेल हो या फिर फीमेल हो जो भी है यहाँ पर आप इंटर कर देना, ठीक है। और इसके बाद ये जो नेशनलिटी हो गई, कैटेगरी हो गई, जैसा कि आप जानते हो जनरल ओ बी सी एस एस टी, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है, या फिर आप पहले कहीं और रहते थे बाद में कहीं और आ गए, अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना, अगर नहीं है तो अलग अलग आपको लिखना होगा। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैप्चर यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। तो कैप्चर फिल करने के बाद ये वेरीफाई आपको करना होगा, सब कुछ अच्छे से देख लेना, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम आपको अच्छे से देख लेना है, ताकि कोई भी दिक्कत आगे जाके आपको नहीं आए, करेक्शन आपको नहीं करना पड़े। तो सब कुछ दो बार तीन बार देख लेना, ओके। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो गाइज, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसका इस प्रकार कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा इस नर्सिंग का, क्योंकि यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप सीधा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यही इसका प्रोसेस रहने वाला है, घर बैठे आप इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पूरा बायोडाटा देख लेते हैं, ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 31,000 सैलरी आपकी रहने वाली है, और यहाँ पर जनरल टर्म एंड कंडीशंस भी आप देख लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, और भी हम स्क्रॉल डाउन, अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। तो जैसा कि हमने बताया बस वही है, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना आप। तो गाइज, अगर घर बैठे अप्लाई करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पे भेज देंगे, सारा क्राइटेरिया और ये पीस आपकी लगने वाली है, और यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि हम आपको ये पीडीएफ भेज सके। सो गाइज, टेलीग्राम चैनल का नाम है MKS Bro 5। जी हाँ बिल्कुल, MKS Bro 5, आप इस नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल पे जाके, ये लोगो और ये नाम आपको दिख जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फॉलो कर लेना, ताकि इस प्रकार के पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको सेकंडों में मिलते रहे, क्योंकि नर्सिंग में जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आगे जाओगे, ये बात ध्यान रखना गाइस। तो ये सारी अपडेट आपको नर्सिंग की यहाँ पर मिलती रहेगी, आपके लिए कोई भी अपडेट आए गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, विदेशों से, सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। सो गाइज, ये है आपकी दूसरी, क्योंकि डबल वादा किया था तो ये डबल हैप्पी न्यूज़। यहाँ पर देख लो, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, GNM BS नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी 20,000 सैलरी रहने वाले, टोटल पोस्ट 18 है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी पोस्ट है, जैसे कि फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, है ना, ये देखिए काफ़ी सारी पोस्ट है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो ये लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा नोटिफिकेशंस, ये देखिए, ये इंग्लिश में अवेलेबल है आपका, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है गाइस, ठीक है। तो इसको देख लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर भी हम आपको दिखा देते हैं कहाँ का है, ये देखिए, ये इस प्रकार से रहने वाला है, जिला एकामिक आरोग्य, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान। तो इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, बाकी यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, सर्जन, काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है गाइस, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बेसिकली स्टाफ नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, BS नर्सिंग JNM वाले। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कौन सी बुक बाय करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो काफ़ी सारे बुक है, जैसे कि एम्स की, PGI की, जिपमर की, है ना,
RRB खब सारे तैयारी आप टारगेट बुक से भी कर सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक काफ़ी अच्छी है गाइज, नर्सिंग वालों की पसंद है गाइज, ये वाली कॉम्पिटेटिव हैंडबुक एग्ज़ाम PR यादव वाली, ठीक है। तो इन सभी के आपको जितने भी लिंक है इन किताबों के हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए, आप सिंपली ऑनलाइन बाय कर सकते हो, काफ़ी सारी छूट आपको मिल रही है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है।